हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्कोर मैक्स पे। और आज हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में, जो कि आपका इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट की यूनिट 5th है, जिसे आप IBO1 भी कहते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन कैन बी सिंपली डिफाइंड एज द एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एक्रॉस पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ नेशन। और जैसा मैंने हिंदी में भी लिख रखा है कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक देश की अर्थव्यवस्था को संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत किया जाता है, ताकि संपूर्ण विश्व एक ही अर्थव्यवस्था और एक ही बाजार के रूप में कार्य कर सकें, और जिसमें व्यक्तियों, पूंजी, तकनीक, माल, सूचना तथा ज्ञान का पारस्परिक विनिमय हो सके। तो इसका मतलब क्या है, ग्लोबलाइजेशन को हम सिंपली कह सकते हैं कि अपनी इकोनॉमी को या अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अपनी पॉलिटिकल बाउंड्रीज से बाहर तक ले जाना। तो आपकी डेफिनेशन ही आपको याद करनी पड़ेगी, ग्लोबलाइजेशन कैन बी सिंपली डिफाइंड एज द एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज अक्रॉस पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ नेशन। जब हम अपनी पॉलिटिकल बाउंड्रीज से बाहर जाके कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, तो वो हमारी किस में आती है, ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन को आप किस तरह समझ सकते हैं, एग्जांपल्स आपके सामने, कि आप बनाना फ्रॉम कोलंबिया, स्ट्रॉबेरीज फ्रॉम कैलिफोर्निया, मिल्क फ्रॉम मिकेगन, जूस फ्रॉम साउथ अफ्रीका, क्लोथ्स में हम देखते हैं कि सॉक्स फ्रॉम बांग्लादेश, शर्ट्स फ्रॉम थाईलैंड, जीन्स फ्रॉम इंडिया, स्वेटर फ्रॉम कंबोडिया। अब इसमें क्या है, जब तक आपका ग्लोबलाइजेशन नहीं था, आप किसी दूसरी कंट्री के कल्चर्स नहीं जान सकते थे, या वहाँ के प्रोडक्ट अपनी कंट्री में नहीं आते थे, या हम कह सकते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट में प्रॉब्लम्स थी। अगर हमारे पास कोई चीज़ लिमिटेड है तो लिमिटेड ही थी, ये नहीं था कि हम किसी दूसरी कंट्री से उसे इम्पोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो सारी कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ अटैच हो गई, इनके पॉलिटिकल बाउंड्रीज एक तरह से हम कह सकते हैं ख़त्म हो गई, और उनका जो ट्रेड था, जो बैरियर्स थे, वो सब तरह के हटा दिए गए, कि अब कोई भी कंट्री किसी के साथ ट्रेड कर सकती थी, हम कहीं भी जा सकते थे, आ सकते थे, हमारे कल्चर जो थे वो एक तरह शेयरिंग होने लगे। तो वो सब चीज़ है। अगर अभी हमारा कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन नहीं होता, तो आज हम जैसे एप्पल के फ़ोन यूज़ करते हैं, कहाँ की कंपनी है, अमेरिका की है, MI यूज़ करते हैं, चाइना की है, या फिर अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, या आपके कपड़ों की बात करें, गारमेंट्स की बात करें, तो कोई आप इंग्लैंड के ब्रांड यूज़ करते हैं, तो कोई आप इटली के ब्रांड यूज़ करते हैं, तो बिना ग्लोबलाइजेशन के ये पॉसिबल नहीं था। तो ग्लोबलाइजेशन क्या प्रोसेस है, अपनी कंट्री को अदर कंट्रीज के साथ जोड़ना, जिससे गुड्स, टेक्नोलॉजी, कल्चर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हर कुछ या सब कुछ किया जा सके। तो आगे चलते हैं कि फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि मतलब कौन कौन सी फोर्सेस थी, या किन चीज़ों ने ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया, या ग्लोबलाइजेशन के कारण कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ी, या क्या ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से हमें ग्लोबलाइजेशन को अपनाना पड़ा। अब सबसे पहली बात करते हैं हम इंटरनेशनल ट्रेड। अब 1991 में हमारे देश में कह सकते हैं एक तरह से मंदी आ गई थी, तो हमारे पास उस टाइम तक क्या था कि हमारी जो पॉलिसीज थी वो इतनी लिबरल नहीं थी, या कह सकते हैं हम कि इतने ग्लोबल नहीं थे उस टाइम पे हम, कि हमारी कंट्री में कोई भी आके एक्सपोर्ट कर सके, इम्पोर्ट कर सके, या हमसे कोई बिजनेस कर सके, या हम किसी दूसरी कंट्रीज में बिजनेस कर सके। तो अगर किसी कंट्री के पास कोई प्रोडक्ट कम है तो उसे उतने तक ही लिमिटेड रहना पड़ता था, अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा है तो वो ये नहीं है कि उस किसी दूसरी कंट्री में उसे ट्रेड कर सके या एक्सपोर्ट कर सके, कुछ भी ऐसा। तो हम इंटरनेशनल ट्रेड, हम कहते हैं कि हर कोई अपनी फील्ड में कुछ प्रोडक्ट्स में ही एफिशिएंट होता है, तो इस चीज़ का हमें बेनिफिट मिल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि जब तक ग्लोबलाइजेशन नहीं होगा, बैरियर्स नहीं हटेंगे, पॉलिटिकल बाउंड्रीज को हम क्रॉस नहीं करेंगे, तब तक इस चीज़ का बेनिफिट नहीं उठा सकते हम इंटरनेशनल ट्रेड का। दूसरा था हमारा इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो। अब अगर आप ट्रेड कर भी रहे हैं तो आपको कैपिटल चाहिए, कह सकते हैं फॉरेन करेंसीज चाहिए दूसरी कंट्री की, उसके साथ बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। लेकिन जब आप अपनी इकनॉमी पे बैरियर्स ही लगा के इतने रखेंगे कि आपकी कंट्रीज में कोई इन्वेस्ट ना कर सके, अगर कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा आपकी कंट्री में, तो आपकी कंट्री में फॉरेन करेंसीज आएंगी नहीं, अगर फॉरेन करेंसीज नहीं आएंगी तो आप जो इम्पोर्ट करते हैं उनकी पेमेंट कैसे करेंगे। दूसरा पॉइंट था इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो, मतलब इससे पहले हमारी कंट्री में अगर कोई कह सकते हैं बिजनेस करना चाहे, या हमारी कंट्री में आके इन्वेस्ट करना चाहे, तो पहले पॉसिबल नहीं था,
और इससे होता है कि अगर कोई हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करे तो हमें क्या मिलेगी, कैपिटल फ्लो, हमारा जो FDI कह सकते हैं हम, कि हमारी कंट्री में दूसरी कंट्री की करेंसी आएगी, हमारी वेल्थ इंक्रीज होगी। तीसरा पॉइंट टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी को कह सकते हैं हम कि आज के टाइम में आप देख सकते हैं दो तरह की कंट्रीज़ हैं, एक डेवलपिंग कंट्रीज़ और एक डेवलप्ड कंट्रीज़। अब डेवलप्ड कंट्रीज़ वो हैं जो पूरी तरह से डेवलप हो चुकी हैं, उनकी टेक्नोलॉजी और डेवलपिंग कंट्रीज़ की टेक्नोलॉजी में बहुत डिफरेंस है। तो अगर किसी डेवलप्ड कंट्री ने कोई टेक्नोलॉजी ईजाद कर लिया, उसने कुछ डेवलप कर लिया, तो बिना ग्लोबलाइजेशन के वो चीज़ सिर्फ उस तक ही निर्भर रहेगी, डेवलपिंग कंट्रीज़ है उन तक वो नहीं पहुँच पाएगी। जैसे आप कार ले सकते हैं, टेलीफोन से ले सकते हैं, अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो जिस कंट्री ने इसे डेवलप किया, इसे बनाया, इनोवेट किया, ये सब चीज़ें सिर्फ वहीं तक रह पाती, दूसरी कंट्रीज़ इनका फ़ायदा, इनका बेनिफिट्स और इनसे जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होता है वो नहीं हो पाता। तो नॉर्मली ये तीन फोर्सेज हैं जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया या ग्लोबलाइजेशन से ये चीज़ें बढ़ी बहुत ज़्यादा। फर्स्ट हमारा इंटरनेशनल ट्रेड, दूसरा था हमारा इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो, तीसरा है टेक्नोलॉजी। अब हर चीज़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है इकनॉमी में और नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। तो हम कुछ बात कर लेते हैं कि इकनॉमी के ऊपर, वर्ल्ड इकनॉमी के ऊपर ग्लोबलाइजेशन जब हुआ, पूरे वर्ल्ड को एक कंट्री की तरह ट्रीट किया जाने लगा, तो क्या इफेक्ट पड़ा। तो सबसे पहला पॉइंट है इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड मार्केट। अब अभी तक क्या था हमारे पास, हमारी जो मार्केट थी वो सिर्फ एक कंट्री के अंदर, एक सीमित फिजिकल एरिया के अंदर थी, ये हमारी बाउंड्री थी, सिर्फ उसके अंदर काम किया करते। लेकिन अब हमारे पास क्या थी, एक वास्ट वैरायटी थी मार्केट की, वर्ल्ड मार्केट थी, हम दुनिया में कहीं भी ट्रेड कर सकते थे, कहीं भी एक्सपोर्ट कर सकते थे या कहीं से इंपोर्ट कर सकते थे। हमारा मार्केट का जो एरिया था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज। ग्लोबलाइजेशन में हुआ क्या था, इसमें नॉर्मली साइज रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया था, बैरियर्स को हटा दिया गया था। जब आप बैरियर्स हटा दोगे, रेस्ट्रिक्शंस हटा दोगे, तो आपका जो वर्ल्ड ट्रेड है वो ऑटोमेटिक बढ़ेगा, क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ को मना कर देंगे या आपको करने नहीं दे सकते तो आप वो चीज़ नहीं करेंगे। लेकिन अभी आपकी सारी रेस्ट्रिक्शंस को ये हटा दे तो आप क्या करोगे, आप तो फिर तो आप वही करोगे ना आप जो करना चाहते थे। लेकिन इससे पहले गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज लगा रखी थी जिनके थ्रू ये सब पॉसिबल नहीं था। अ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड कैपिटल एज अ रिजल्ट और लेसर बैरियर ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड। यही पॉइंट हमने अभी बात करी है कि इंटरनेशनल ट्रेड भी क्यों बढ़ा, गुड्स, सर्विसेज और कैपिटल एक दूसरी कंट्रीज में क्यों बहुत ज़्यादा आने लग गई, इधर से उधर जा रही है या इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है। रीज़न, लेसर बैरियर्स, कि बैरियर्स जो थे, रुकावटें थी, हम इसे कह सकते हैं टैरिफ बैरियर्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स, वो सब हटा दिए गए। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशन। अब हमारी इकनॉमी में या हमारी कंट्री में एक फिक्स कंपनी थी, किसी एक प्रोडक्ट का कहते प्रोडक्शन कर रही थी, तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी या हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था उस प्रोडक्ट का। लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो हमारी कंट्रीज में अदर कंट्रीज़ की भी कंपनी आई जो सेम प्रोडक्ट को बना रही थी, बस उनकी क्वालिटी में डिफरेंस था, उनके प्राइस में डिफरेंस था। तो अब क्या हुआ, अब जो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन कंपनीज थी उनके सामने कंपटीशन का कह सकते हैं माहौल हो गया, क्योंकि अब उन्हें अपनी चीज़ें, ये नहीं कि अब वो अकेले मार्केट में, उनकी मोनोपोली है नहीं, क्योंकि अब मार्केट में और भी कंपनीज है जो उस प्रोडक्ट को अवेलेबल करवा रही हैं, उनसे अच्छे प्राइस पे करवा रही हैं, उनसे अच्छी क्वालिटी दे रही। तो इससे क्या हुआ, हमें अच्छी चीज़ें मिलने लग गई और कम कॉस्ट में मिलने लग गई कंपेरिजन टू पहले, ग्लोबलाइजेशन से पहले। अब हमारे पास मोर चॉइस विथ लेस कॉस्ट। जैसा भी मैंने कहा, जब कॉम्पिटिशन बढ़ेगा तो चॉइस हमारे पास ज़्यादा आएंगी, हमारे पास सब्स्टिट्यूट बढ़ेंगे, और जब क्या है डिमांड सप्लाई, जब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं तो उनकी वैल्यू घटती है। और हमारे पास एक ही चीज़ है तो हमें पता है प्रोड्यूसर को कि हमें वही खरीदना पड़ेगा। लेकिन अभी हमारे पास एक ही प्रोडक्ट 10 कंपनीज का हमारे सामने हो तो हर कंपनी चाहेगी हम उसका ही प्रोडक्ट परचेज करें। तो उसके लिए क्या करेगी, वो या तो अपने प्राइस को डिक्रीज करेगी या अपनी जो क्वालिटी कह सकते हैं उसे इंक्रीज करेगी। अब हमारा नेक्स्ट है इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब जब आपके पास चॉइसेस ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे, उनकी क्वालिटी अच्छी होगी, तो आपके जो स्टैंडर्ड लिविंग, आपके जीने का तरीका है वो अपने आप अच्छा होएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा FDI। FDI हमारा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नॉर्मली जो हमें चैप्टर में पढ़ना है यही पढ़ना है, FDI और ग्लोबलाइजेशन। अब FDI क्या होता है, जब आप किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो वो होती हमारी FDI। इसके बारे में हम यूनिट 6 में पढ़ेंगे।
हमारा लास्ट है एक्सपेंशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या हुआ, अब किसी कंट्री ने कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करी या उसके पास कोई नया मेथड आया किसी चीज़ को अच्छे से करने का या एफिशिएंटली करने का कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल वे, तो उसने क्या किया, उस टेक्नोलॉजी को शेयर किया वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ। हर कंट्री को वो टेक्नोलॉजी मिली, सब ने उसका बेनिफिट उठाया। तो अब से एग्जाम्पल्स और फोटो से समझ सकते हैं कि इम्पैक्ट क्या क्या हुआ। हमारा ट्रेड बढ़ा, कॉम्पिटिशन बढ़ा, इकोनॉमी ऑफ स्केल बढ़ा, इंक्रीज कैपिटल एंड मोबाइल लेबर मोबिलिटी बढ़ी, और फर्स्ट इंक्रीज ट्रेड हुआ तो मतलब क्या हुआ, हमारे पास चॉइस ज़्यादा हो गई गुड्स की, ग्रेटर कॉम्पिटिशन, जब कॉम्पिटिशन बढ़ा तो प्राइस डाउन आ गया, इकोनॉमी ऑफ स्केल मतलब मोर एफिशिएंट प्रोडक्शन, अब ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे एक ही चीज़ के तो उनका क्वालिटी बढ़ेगी, इंक्रीज कैपिटल एंड लेबर मोबिलिटी, अब जब ग्लोबलाइजेशन हो रहा है दूसरी कंट्रीज़ किसी दूसरी कंट्रीज में जा रही हैं, वहाँ इन्वेस्ट कर रही हैं, अपने प्लांट लगा रही हैं, तो वहाँ पर कैपिटल भी बढ़ेगी उस कंट्री की। लेकिन जैसा आप सभी जानते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी पॉलिसी है, हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी थे, जैसे मोनोपोली पावर्स ऑफ मल्टीनेशनल्स, जैसे कह सकते हैं कुछ कंपनी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी थी या उनकी टेक्नोलॉजी अदर कंट्रीज़ कंपैरिजन बहुत हाई लेवल की थी, तो उनका मार्केट में कह सकते हैं मोनोपोली क्रिएट हो गई, या अकेला वही एक मैन्युफैक्चरर हो गया, सप्लायर हो गया किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को अवेलेबल कराने के लिए। दूसरा हमारा स्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम शिफ्टिंग सेक्टर्स, अब जब दूसरी कंट्रीज हमारी कंट्रीज़ में आती हैं या हमारी दूसरी में जाती है तो वहाँ पर ये तो कहेंगे हम कि एम्प्लॉयमेंट तो देंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ जब अगर कोई अभी तक उसी प्रोडक्ट को कोई दूसरी कंपनी बना रही थी और आप जाके उसको बनाओगे, कंजम्पशन तो या कह सकते हैं उसका यूज़ या भोग उस कंट्री में वो तो पहले के बराबर ही होगा। तो मतलब क्या है, आप पुरानी इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म कर रहे हो जब आप वहाँ पर जा रहे हो, आप वहाँ जाके पुरानी इंडस्ट्री ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म कर देते हैं। टैक्स अवॉइडेंस, जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे मेथड होते हैं जिसमें हम अपने प्रॉफिट को कम कर देते हैं, जैसे प्राइस ट्रांसफरिंग का एक मेथड होता है जिसके अंदर हम अपनी खुद की सब्सिडीज बना के अपने प्रॉफिट को कंपनीज में डिवाइड कर देते हैं, या अपने टैक्स से खुद को बचा लेते हैं, या फिर अपने प्रॉफिट को हम कम दिखा देते हैं। तो आगे चलते हैं कि अब इंडिया में जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो इंडिया में क्या पर्सपेक्टिव मतलब क्या इफेक्ट हुआ, या इंडिया में क्या क्या चेंज हुए ग्लोबलाइजेशन के बाद। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ग्लोबलाइजेशन हैड मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन इंडिया, कह सकते हैं कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद हिंदुस्तान में या इंडिया में, भारत में बहुत सारे बदलाव देखे गए। और ये हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आई थी, 1991, नरसिम्हा राव उस टाइम हमारे प्रेसिडेंट पीएम थे जो इस पॉलिसी को लेके आए थे। पॉलिसी पर क्या थी, एलपीजी के अंडर इसे लिया गया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा हमारे इंडिया पर, या क्या हमारी राय क्या थी कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे इंडिया पर वो सब। तो पॉजिटिव में पहला है हमारा ह्यूमन रिसोर्स बेनिफिट ऑफ लो लेबर। अब हमारे पास सबको पता है हम एक तरह से लेबर इंटेंसिव कंट्री हैं, हमारे पास लेबर बहुत ज़्यादा है और चीप लेवल पे लेबर है, तो हमें इस चीज़ का क्या बेनिफिट हुआ कि जो अदर कंट्रीज की कंपनीज थी वो इंडिया में अपने प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेटअप करेंगी, अपनी प्रोडक्शन यूनिट बनाएंगी इंडिया में, और जब अपनी यूनिट इंडिया में लेके आएंगी तो हमारे पास कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़, अभी तक हमारी जो इंडस्ट्रीज थी वो सिर्फ हमारी इंडिया के अंदर ही कह सकते हैं बिजनेस कर रही थी, सेल कर रही थी, परचेज कर रही थी, उनके पास एक लिमिटेड मार्केट था। लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन आ गया तो हमारी जो मार्केट थी वो एक्सपेंड हो गई थी ओवरऑल वर्ल्ड, तो उनका एरिया भी बढ़ा, तो जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी अब वो भी डेवलप होनी शुरू हो गई। थर्ड है न्यू आइडियाज़, न्यू आइडिया से आप ये कह सकते हैं कि जब आप ग्लोबलाइजेशन में जाते हैं या ग्लोबलाइजेशन होता है तो क्या होता है, हम किसी भी कंट्रीज़ के आइडियाज़ है, व्यूज़ हैं या वहाँ का कल्चर है एक दूसरी कंट्रीज़ में ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि हम दूसरी कंट्री में जाएंगे तो उनके हम कल्चर को देखेंगे, वहाँ की सोसाइटी को देखेंगे, तो हर चीज़ एक से कह सकते हैं कि एक नई सोच डेवलप होती है बिजनेस के लिए या डेवलपमेंट के लिए। चौथा पॉइंट है इसका ग्रोविंग एंटरप्रेन्योरशिप, कह सकते हैं जो बिजनेसमैन नहीं कह सकते हम, जिसे कह सकते हैं कुछ नए तरीकों से बिजनेस को काफ़ी ऊंचाइयों पर ले जाना, या बिजनेस करने का एक वो तरीका जो अभी तक पहले तो किसी ने नहीं किया, लेकिन तुम उसकी शुरुआत करो, एंटरप्रेन्योरशिप कुछ
करना तो पुराना काम ही उसे, लेकिन एक नए तरीके से करना, तो ये भी आता है इसमें। अब हर चीज़ इज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट थे, तो इसके नेगेटिव भी होंगे। तो नेगेटिव हमारा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब सभी जानते हैं कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे वो बहुत अच्छा नहीं था, या फिर यूँ कहें कि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, और आज के 20 साल पहले की बात करें, 30 साल पहले की बात करें, उस टाइम पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस लेवल का नहीं था कि हम अदर कंट्रीज़ जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी उनको कम्पीट कर सकें या उनके साथ अपने प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर सकें। दूसरा है हमारा रेजिस्टेंस टू चेंज। कहते हैं कि कोई भी बदलाव आसान नहीं होता। जब हमारी कंट्रीज में अभी तक कोई इंटरफेयर दूसरी MNCs का या TNCs का या दूसरी कंट्रीज़ के प्रोडक्ट्स का नहीं था, लेकिन अब एकदम से हमारी कंट्री में सब कुछ आएगा, हमारी इंडस्ट्री को भी वो चेंज पसंद नहीं आएगा, कह सकते हैं प्रोडक्शन यूनिट को पसंद नहीं आएगा। वो कहते हैं कि बदलाव इतनी आसानी से नहीं आता, तो उसमें भी टाइम लगता है उसको बदलाव को करने के लिए या उसका सामना करने के लिए। तीसरा है हमारा पुअर क्वालिटी इमेज। अब हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या थी फॉरेन मार्केट में? पुअर क्वालिटी। सबको पता था कि हमारे जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी थी वो अच्छी नहीं थी, हम सिर्फ एक लेबर इंटेंसिव थे, ना कि टेक्निकल या टेक्नोलॉजी इंटेंसिव। क्योंकि उसमें क्या था, हम लेबर वाले काम तो कर रहे थे, लेकिन जो ग्लोबलाइजेशन लेवल पर हमारी बात हुआ करती थी उसमें हमारी प्रोडक्ट की वैल्यू सबसे डाउन रखा जाया करती कंपेरिजन टू जापान, अमेरिका, कोरिया, इनके कंपेरिजन। नेक्स्ट हमारा स्मॉल साइज। अभी तक हमारी जो इंडस्ट्रीज थी या हमारे बिजनेसमैन थे, क्योंकि वो अभी तक सिर्फ ये कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में ट्रेड कर रहे थे, उनका कोई ये नहीं कह सकते बहुत बड़े अमाउंट पे भी कर रहे थे, उनका जो ट्रेड था या बिजनेस था या प्रोडक्शन था बहुत छोटे लेवल पे था। और जब आपका प्रोडक्शन छोटे लेवल पे है और बाहर से कोई बहुत बड़े लेवल के MNCs कह सकते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं आपके सामने, तो आप उन्हें कम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका लेवल बहुत छोटा, आपकी टेक्नोलॉजी छोटी है, आपका एक्सपीरियंस कम है। तो उस चीज़ में भी आपका हमारा लास्ट है लैक ऑफ एक्सपीरियंस। अब इंडियंस के पास या कह सकते हैं हमारी मैन्युफैक्चरर के पास, बिजनेसमैन के पास या इंडस्ट्रीज के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था अदर कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट इंपोर्ट या ट्रेड को या टेक्नोलॉजी का या किसी भी ऐसी चीज़ का जो हमारे ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हमारे पास आई थी। कुछ ऐसी कंट्रीज़ थी जो उससे ग्लोबलाइजेशन से पहले भी इन चीज़ों पर काम कर चुकी थी या काम कर रही थी, लेकिन इंडिया उनमें से नहीं था। तो इसलिए इंडियन कंपनीज के पास, इंडस्ट्रीज के पास, बिजनेसमैन के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि वो फॉरेन ट्रेड कर सके। अब नेक्स्ट इसी में एक आता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस बॉर्डर मर्जर एंड एक्विजिशन, कि ये होता क्या है। अब हमने पहले क्या पढ़ा, इसे ग्लोबलाइजेशन पढ़ लिया, हमने ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट पढ़ लिए, ग्लोबलाइजेशन के इंडिया के ऊपर मतलब क्या प्रभाव पड़ना था या क्या पड़ा वो पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस बॉर्डर मर्जर एंड एक्विजिशन। ये भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ने ही इसे शुरुआत किया, कि पहले तो हम अपनी पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर तक ही बिजनेस किया करते, लेकिन अब हम अपनी पॉलिटिकल बाउंड्री को छोड़ के ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट में देखने लगे, अदर कंट्रीज में देखने लगे। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि क्रॉस बॉर्डर मर्जर होता क्या है। जैसे कोई कंपनी अमेरिका में है एक कंपनी, और एक कंपनी है इंडिया में। अब अगर इंडिया वाली इंडिया की कंपनी का ओनर है और अमेरिका की कंपनी का जो ओनर है, वो दोनों चाहें कि वो दोनों अपने प्रोडक्ट्स को मिलाकर या अपनी कंपनी की नाम को मिलाकर एक नई कंपनी का फॉर्मेशन करें। जैसे आप कह सकते हैं हीरो होंडा पहले हमारे पास कंपनी थी, हीरो आपकी इंडिया की थी, होंडा आपकी जापान की थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना मर्जर किया था हीरो होंडा के नाम से। दो कंपनीज अलग अलग एंटिटी थी, दोनों की अलग अलग वैल्यूज़ थी, अलग अलग उनकी ब्रांड वैल्यू थी, उन दोनों ने आपको मिलाया और हीरो होंडा को बनाया था, जिसके बाद इन्होंने इंडिया में कह सकते हैं हम बाइक का मैन्युफैक्चरर किया करते हीरो होंडा के नाम से। और एक्विजिशन क्या होता है, कि जब कोई एक कंट्री की कंपनी दूसरी कंट्री कंपनी को अपने अंडर मिला ले, या ये कह सकें उसकी पूरी ब्रांड वैल्यू खरीद ले, उसके असेट्स को खरीद ले, और उस कंपनी का नाम बदल के अपनी कंपनी की ब्रांच बना दे, उसे सब्सिडरी बना दे उसे, या अपनी कंपनी का ही नाम दे दे, या उस पर ये कह सकते हैं उस पर पूरा कंट्रोल अब उसका रहेगा जो उसे परचेज करेगा। तो अब देख सकते हैं मर्जर में क्या होता है, दो कंपनीज को मिलाकर एक नई कंपनी की फॉर्मेशन होती है, और एक्विजिशन में किसी दूसरी कंपनी को मिला खरीद कर या परचेज करके अपनी कंपनी में मिला लिया जाता है। इसमें हम देख सकते हैं वी कंट्रोल एंड मर्जर कंपनीज ऑफ अनदर कंट्रीज। अब मर्जर में क्या होता है, या कह सकते हैं हम
एक्विजिशन में कि हम किसी दूसरी कंट्री की कंपनीज पे अपना कंट्रोल करते हैं, जब हम मर्जर करते हैं किसी दूसरी कंट्री की कंपनी पे, तो उस पे हम अपना पूरा कंट्रोल करते हैं। नाम बेशक हम एक नई एंटिटी डेवलप कर लेते हैं, हमारे वो नाम नहीं रहते अब जो पुराने नाम थे। दो कंपनी मिली, उनके पुराने नाम ख़त्म हो गए, वहाँ से उनका एक नया नाम शुरू हो गया। दूसरा, इट इज़ द मर्जर और एक्विजिशन ऑफ टू कंपनीज डैट हैव हेडक्वार्टर इन टू डिफरेंट कंट्रीज। मर्जर और एक्विजिशन, वही मैंने अभी बताया। एक्विजिशन क्या होता है कि आपकी उन कंपनीज को मिला दिया जाता है जिनके हेडक्वार्टर्स या जो दो कंट्री की कंपनीज होती हैं। शर्ट इंडिया में कोई और कंपनी कर रही है, अमेरिका में कोई और कंपनी कर रही है। अगर अभी इनमें से कोई एक कंट्री कंपनी दूसरी कंट्री को खरीद के अपने अंदर उसको मिला ले, तो होता है हमारा एक्विजिशन। इन अ क्रॉस बॉर्डर मर्जर द असेट्स एंड ऑपरेशन ऑफ टू फर्म्स बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट कंट्रीज आर कंबाइंड टू एस्टेब्लिश अ न्यू कंपनी और लीगल एंटिटी। जैसा मैंने अभी ऊपर बताया ही था कि दो कंपनियों को मिलाकर एक नया नाम रखा जाता है या एक नई लीगल एंटिटी क्रिएट की जाती है वहाँ से। इन अ क्रॉस बॉर्डर एक्विजिशन द कंट्रोल ऑफ असेट्स एंड ऑपरेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम लोकल टू अ फॉरेन कंपनी विद द फॉर्मर जॉइन द लेटर। अब इसमें क्या होता है, कोई बाहर की कंपनी हमारी इंडिया की कंपनी को एक्वायर कर रही है, एक्विजिशन कर रही है, तो हमारा क्या होगा, हमारी जो लोकल कंट्री है कि इस पर यूनिट है, कंपनी है, उसे कौन कंट्रोल करेगा, उसे जो एक्वायर कर रहा है, जो उस पर एक्विजिशन कर रहा है, मतलब फॉरेन कंपनीज, उस पर कंट्रोल किसका होगा, फॉरेन कंपनीज का। अब इंडिया में तो अगर आप ये है कि आप किसी दूसरी कंपनी को ख़रीदना चाहते हैं या किसी दूसरे उद्योग में अपना काम करते हैं, इंडस्ट्री में जाते हैं, उन्हें अपने साथ मिलाते हैं, तो इतनी रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज नहीं आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन जब आप इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में जाके वहाँ की कंपनीज़ को अपने साथ मर्जर करें या उनको अपने साथ मिला लें, तो उसके लिए कुछ हमें रूल्स होते हैं फॉलो करने पड़ते हैं इस काम के लिए, जो कि लोकल से डिफरेंट होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। अब क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स, इसमें दो तरह का होता है क्रॉस बॉर्डर में, कि या तो हम खरीदते हैं या हम सेल करते हैं। आप देख सकते हैं परचेस ऑफ अ फॉरेन फर्म बाय अ इंडियन फर्म। अब इंडिया की कोई फर्म फॉरेन की कोई फर्म को परचेस कर ले या खरीद ले, तो क्या होगा, अब इससे थ्रू हमारा जो करेंसी है, हमारी जो वैल्यू है, कैपिटल है, वो दूसरी कंट्री में जाएगी। सीधी सी बात है, जब हमने दूसरी कंट्री से ख़रीदा है कुछ, तो हमें उसके बदले उसे कुछ देना पड़ेगा, हमें कैश देना पड़ेगा, अपनी करेंसी देनी पड़ेगी, हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। सेम इसी में पैटर्न आता है दूसरा, क्रॉस बॉर्डर सेल्स। जब कोई फॉरेन फर्म हमारी इंडियन फर्म को ख़रीदती है या परचेज करती है, तो हमें क्या होता है, हमारी कंट्री में क्या होता है, इनफ्लो होता है फॉरेन करेंसीज का। क्योंकि जब कोई हमारी कंट्री में आएगा, हमारी फर्म्स को परचेज करेगा, तो हमारी कंट्री में उस कंट्री का, उसके लिए उसे कुछ पेमेंट देनी पड़ेगी हमारी कंट्री के उस ओनर को जिसकी वो फर्म थी, जिसकी वो कंपनी थी। तो मे बी आपको क्लियर हो चुका होगा क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स भी। चलते हैं नेक्स्ट में। अब ग्लोबलाइजेशन, ये टर्म्स आपने शायद पहले कभी नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि आपने इससे पहले ग्लोबलाइजेशन तो पढ़ा है कि जब हम अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ कंबाइन कर देते हैं, जहाँ से हम गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी को ईजिली ट्रांसफ़र कर सकें विदाउट ट्रेड। लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो बहुत सारी कंपनीज एक दूसरे कंट्रीज में आई भी, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है हर कंट्री का कल्चर एक जैसा हो, इन्वायरमेंट एक जैसा हो, तो उन कंपनीज को कुछ चेंजमेंट करना पड़ा। तो वही इसमें कह रखा है कि ग्लोबलाइजेशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स ग्लोबलाइजेशन एंड लोकलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन किस चीज़ से बना है, ग्लोबलाइजेशन और लोकलाइजेशन से। अब द टर्म इज़ यूज्ड Describe a product or service that is developed and distributed globally. इसमें क्या होता है, इसमें वो product होते हैं, वो services होते हैं जो overall world deliver किए जा रहे हैं, या हम ये कहें export import किया जा रहा है उन चीज़ों का। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि हमने जो चीज़ बनाई वो overall world में उसी taste के हिसाब से खाई जाती हो या उसका वही taste पसंद किया जाता हो। तो हम जब दूसरी कंट्री में जाते हैं तो अपने प्रोडक्ट को उस कंट्री के लोकल के हिसाब से उसमें कुछ चेंज कर देते हैं, वहाँ के टेस्ट के हिसाब से, वहाँ के कल्चर के हिसाब से, वहाँ के नीड के हिसाब से। इसे हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। अब जैसे मैगडी का आप देख सकते हैं कि जब मैगडी इंडिया में आई तो क्या था, मैगडी जब इंडिया में नहीं थी तो इनके अंदर कह सकते हैं कि आलू टिक्की बर्गर की कोई डिमांड नहीं थी, इसमें ऐसा कोई
प्रोडक्ट ही नहीं था, लेकिन जब इंडिया में आए तो उन्होंने देखा कि हम हर चीज़ में पोटैटो को या कह सकते हम आलू की फिलिंग को बेस्ट कर माना करते थे, उसके अंदर सब्जियों को भी हम अगर उन्होंने हमारे और प्रोडक्ट देखे होंगे, हम दालों का यूज़ कर रहे थे, मटरों का यूज़ कर रहे थे, आलू का यूज़ करते थे सबसे ज़्यादा। जैसे हमारा समोसा भी था जो ट्रेडिशनल है, हमारा ब्रेड पकौड़ा है वो ट्रेडिशनल है, तो इन सब चीज़ों में हम क्या कर रहे थे, आलू को स्टफ़ कर रहे थे। वही इन्होंने हमारे इंडिया में लेके तो आए अपना प्रोडक्ट, लेकिन उसके स्टफिंग को चेंज कर दिया। दूसरा है हमारा विद पीस, कैरेट्स, ग्रीन बीन्स, रेड पेपर, पोटैटोज, ऑनियन, राइस एंड सीजनिंग। वही कह सकते हैं हमारी कंट्री में आए जरूर प्रोडक्ट लेके अपना, लेकिन हमारी कंट्री के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को चेंज कर दिया इन्होंने। तो बस इसमें यही होता है कि आपका एक ग्लोबल प्रोडक्ट को किसी कंट्री के हिसाब से चेंज कर देना ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। आपकी यूनिट 5 कंप्लीट होती है ग्लोबलाइजेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय फ्रेंड्स।